अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर नेविगेशन रेल को किस तरह से इंप्लीमेंट करें और हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए नेविगेशन रेल इंस्टेड ऑफ बॉटम नेविगेशन बार, और कौन सी स्क्रीन साइजेस होती हैं जिनके ऊपर नेविगेशन रेल बेस्ट होती है यूज़ करनी। और इसके अलावा हम इसको कस्टमाइज भी करना सीखेंगे। इसको हम A to Z एक्सप्लोर करेंगे, हम तमाम चीज़ों को देखेंगे। लाइक हम बैजेस को एक्सप्लोर करेंगे लाइक दिस, ठीक है, स्मॉल बैजेस को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। और इसके अलावा हम इसकी ग्रेविटी चेंज करना भी सीखेंगे, और इसके लिए हम ऊपर फ्लोटिंग एक्शन बटन भी लगाएंगे कुछ इस तरीके से। और ये सब कुछ हम सीखेंगे इस वाली वीडियो में। उसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मटेरियल 3 की गाइडलाइन बताऊंगा कि इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए और कौन कौन सी रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए व्हाइल यूजिंग नेविगेशन रेल इनटू आवर एप्लीकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यार मैं थोड़ा सा ना आपको, ये मैंने एक डेमो एप्लीकेशन बनाई है। एक्चुअली डेमो जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है मटीरियल डिज़ाइन का, उसी के अंदर मैंने एक डेमो एक्टिविटी बनाई है, ठीक है। आपको कोड मिल जाएगा, टेंशन मत लो। तो इसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो, यहाँ पे नेविगेशन रेल लगी हुई है, इधर एक डिवाइडर है और इधर मैंने इसका कोई कंट्रोल लगाया हुआ है। इधर इतना ध्यान मत रहो, बस ये हिस्सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं इसको चाहूँ तो टॉगल वगैरह भी कर सकता हूँ, इसकी ग्रेविटी वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, ऊपर नीचे मेन्यू को कर सकता हूँ, ये सब हम करना सीखेंगे। बैजेस भी हम लगाएंगे और एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार नेविगेशन रेल होता क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करना चाहिए जब हमारे पास बॉटम नेविगेशन बार है। उसके अलावा हमारे पास नेविगेशन ड्रॉअर है, तो हमें ये क्यों यूज़ करना चाहिए। तो ये हमें उस स्क्रीन पर यूज़ करना चाहिए जो कि बड़ी स्क्रीन होती हैं लाइक टैबलेट वगैरह, या फिर उसके अलावा अगर आप मोबाइल में लैंडस्केप पे कोई अपना एक्टिविटी है आपकी, तो उसमें आप लोग बॉटम नेविगेशन की जगह आप लोग नेविगेशन ड्रॉअर को यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, नेविगेशन रेल को यूज़ कर सकते हैं, नॉट नेविगेशन ड्रॉअर। ये बॉटम नेविगेशन बार की तरह है, बस ये लेफ्ट साइड पर होता है। और उसके अलावा इसके अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे हेडर इंक्लूड करने का, तो इसकी एनाटॉमी कुछ इस तरीके से है। तो हम यहाँ पे अपनी मेन्यू ऐड कर सकते हैं और टॉप पे हेडर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐड करें। यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई ब्रांडिंग दे सकते हैं, अपना लोगो लगा सकते हैं, जो मर्जी चाहें। लेकिन गूगल रेकमेंड ये करता है कि यहाँ पे आप फ्लोटिंग एक्शन बटन यूज़ करें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम 3 to 7 आइटम्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 7 आइटम्स ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। इन सब आइटम्स को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, नहीं बैजेस वगैरह लगा सकते हैं, और इनका इंडिकेटर कलर और इनका इंडिकेटर कलर हो गया। और उसके अलावा यहाँ पे इनका टेक्स्ट हो गया, बोल्ड वगैरह, जितने भी हमें मेन्यू के अंदर चीज़ें मिलती हैं जो कि हमने पिछली 2-3 वीडियो में एक्सप्लोर की हैं, वो सब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन भी मिल जाती है, लाइक इसकी मैं ग्रेविटी वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, टॉप पे बॉटम पे सेंटर रख सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि जब हम अपनी एप्लीकेशन को टैबलेट के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है कि उसकी स्क्रीन बहुत बड़ी होती है, हमें टच करने के लिए ना बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए हम बॉटम पे इसकी ग्रेविटी रख दें ताकि ईजिली लेफ्ट थंब के साथ यूज़र नेविगेट कर सके हमारी एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, तो मेक श्योर आपने यही करना है कि आपकी स्क्रीन पे ना इधर नेविगेशन बार हो, यानी कि बॉटम नेविगेशन हो, या फिर नेविगेशन रेल हो। इन दोनों में से आपने एक यूज़ करना है, दोनों एक साथ इनको यूज़ नहीं करना, ये आपने ध्यान रख लेना है। तो चलो यार इसकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो मैंने एक एम्प्टी एक्टिविटी बना ली है, यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली एक कॉन्स्टेंट लेआउट है और ये इसकी एक्टिविटी में बाइंडिंग इनेबल हुई हुई है, ठीक है। तो एक्टिविटी में यहाँ पे चलता हूँ। तो उससे पहले ना यहाँ पे आप ओवरव्यू में जब आओगे ना इसकी गाइडलाइन के अंदर, यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा MDC एंड्रॉइड का, इसको ओपन करोगे तो इधर आ जाओगे आप, ठीक है। इधर से ना आप लोगों ने इसे कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये फर्स्ट कोड स्निपेट को यहाँ पे इन्होंने इंप्लीमेंटेशन इसकी दी हुई है XML की, या फिर आप चाहो तो इधर भी नेविगेशन रेल ले सकते हो, इट्स अप टू यू, बट टाइम बचाना है हमने। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना है, यहाँ पे जो मेन्यू है ना, तो मेन्यू हमने यहाँ पे दे देनी है अपनी नेव रेल मेन्यू, ठीक है। पिछली 1-2 वीडियो से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक आइटम है, ठीक है। आइटम की आईडी है, आइकन दिया हुआ, टाइटल है। आइकन का आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, यहाँ पे फील्ड और आउटलाइन आइकन मैंने यूज़ किए हुए हैं। मतलब कि आप बोलोगे यार फील्ड और आउटलाइन आइकन, हम तो एक आइटम आइकन यूज़ करते हैं, दो कैसे करेंगे। तो पिछली 1-2 वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी आप इसको बीच में फॉलो करें। तो उसके लिए बता दूँ कि जब आइटम एक्टिव होगा ना, अब यहाँ पे आप लोग देखो, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बोल्ड हो जाता है इसका आइकन, जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो पहले वाला आउटलाइन में चल जाता है और ये वाला न्यू बोल्ड हो जाता है। तो ये इफेक्ट लाने के लिए ना यहाँ पे मैंने चेक्ड होगा, यानी कि जो आइटम एक्टिव होगा ना उसका फील्ड वाला आइकन होगा और जो इनएक्टिव होगा उसका आउटलाइन वाला आइकन होगा, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है इस तरीके से। और उसके अलावा यहाँ पे इनका टाइटल वगैरह है। अच्छा, इस वाले मेन्यू के अंदर आपने एक चीज़ एक्स्ट्रा लगानी जो कि इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में दी हुई है, विच इज़ आपने ये वाला एट्रीब्यूट है विच इज़ एंड्रॉइड इनेबल ट्रू, ये आपने सब में लगा देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, बस यही काम है। बाकी उसके अलावा आपने नेविगेशन रेल वाली एक्टिविटी में वापस आना है और इसको ना कांस्टेंट कर देना है वर्टिकली और लेफ्ट से। मैं एक काम करता हूँ ना, इसको ना रोटेट कर लेता हूँ अपने प्रीव्यू को कुछ इस तरीके से ना, इट्स लुकिंग क्वाइट गुड, ओके। तो अभी ना हम एक और काम करना सीखते हैं विच इज़ डिवाइडर लगाना। डिवाइडर यहाँ पे लगाना ऑप्शनल है, अगर आप ना भी लगाओ फिर भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से लगा लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से करेगा मटीरियल डिवाइडर, इसको रैप कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, मैच पेरेंट करूँगा और उसके अलावा इसको क्लोज कर दूँगा और इसको लेफ़्ट से कांस्टेंट करूँगा नेविगेशन रेल से कुछ इस तरीके से, और इसको वर्टिकली कांस्टेंट करूँगा और इसको राइट से भी कांस्टेंट करूँगा। लेकिन उससे पहले इसकी विड्थ को कर देता हूँ 0 dp कुछ इस तरीके से, नहीं 0 dp नहीं 1 dp सॉरी। लेफ्ट से कांस्टेंट करना है, सो राइट से कांस्टेंट नहीं करना। और ये हमारा यहाँ पे लग चुका है हमारा, तो यहाँ पे हमारा लग चुका है नेविगेशन रेल का डिवाइडर भी कुछ इस तरीके से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डिवाइडर लग चुका है। अच्छा, तो अभी हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम लगाना सीखते हैं अपना हेडर। हेडर हम लोग किस तरह से लगाएंगे? हेडर लगाना बड़ा इजी है, जिस तरह से हमने नेविगेशन ड्रॉअर में हेडर लगाया तो उस तरीके से यहाँ पे लगना है कुछ इस तरीके से। हेडर लेआउट और @layout/layout nav rail fab, ये मैंने एक सैम्पल लेआउट बनाया हुआ है जो कि बिल्कुल खाली है। इसके अंदर एक सिंपल लीनियर लेआउट है जिसकी ग्रेविटी सेंटर है। तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, यहाँ पे मैं एक फ्लोटिंग एक्शन बटन ले लूँगा। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हो ना फ्लोटिंग एक्शन बटन वाले, तो उसमें मैं जो फैब यूज़ किए थे उन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं अपने चलता हूँ मेन एक्टिविटी में और इसको यहाँ से ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, इसके कांस्टेंट हटा देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मार्जिन हटा देता हूँ इसके। और उसके अलावा एक और काम आपने करना है जो कि इसकी एलिवेशन को ना 0 कर देना है, ठीक है। और इसको इसकी आईडी दे देते हैं रेल, आईडी इसको देते हैं फ्लोटिंग एक्शन _ फ्लोटिंग बटन _ रेल, ठीक है। ये हमने इसको आईडी दे दी। ये आईडी देने के बाद मैं थोड़ा सा कोड को रिफैक्टर कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे चलता हूँ अपनी मेन एक्टिविटी में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर फ्लोटिंग एक्शन बटन आ चुका है, ठीक है। अगर इसकी मैं एलिवेशन 0 ना करता तो यहाँ पे शेडो आ रही होती जो कि कट हो जानी थी, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हम इसकी ग्रेविटी को भी चेंज कर सकते हैं। लाइक हम अपने नेविगेशन रेल को टॉप पे सेट करा सकते हैं, बॉटम पे सेट करा सकते हैं, सेंटर पे सेट करा सकते हैं। नॉट नेविगेशन रेल, आई मीन नेविगेशन रेल की जो मेन्यू है उसको मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, मेन्यू ग्रेविटी इसको कर दूँगा बॉटम। अब ये बॉटम पे आ चुका है, ठीक है। आप लोग भी इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो चलो अब अपने कोड में चलते हैं और देखते हैं कि हम इसके ऊपर सेट ऑन क्लिक लिस्टनर किस तरह से सेट करें। और एक और चीज़ हमें इसमें के अंदर मिलती है वो चीज़ सेट रीसिलेक्ट लिस्टनर, कि जब भी आइटम के ऊपर रीसिलेक्ट हो तो तब भी हमें उसको लिसन करने का या फिर सेट ऑफ कमांड एग्जीक्यूट कराने का हमें कोड का एक फंक्शन मिलता है, तो उसको भी हम करना देखते हैं। और उसके अलावा हम देखेंगे कि हम अपने हेडर के अंदर जो हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन है इसको हम किस तरह से एक्सेस करें, ठीक है। और उसके अलावा जो बैजेस हैं, बैजेस का मैं आपको बता देना, वो इतना बड़ी बात नहीं, मैंने पहले ही आपको समझाया हुआ है। एनीवे, तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ क्लिक लिसनर्स। तो सबसे पहले सेट आइटम क्लिक लिसनर यहाँ पे सेट करते हैं, सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, और यहाँ से रिटर्न करूँगा ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे हमें मेन्यू मिल जाती है। मेन्यू के हम जैसे हमने पिछली वीडियोस में किया था, हम इसकी आइटम आईडी का यूज़ करके यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम के ऊपर कुछ सेट ऑफ कमांड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लाइक नया मेन्यू होम, इसका मैं शॉर्ट ऑफ करा देता हूँ, शॉर्ट ऑफ क्लिक्ड ऑन होम, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। आप लोग इस तरीके से इसको करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू हम यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट ले लिया, इसको हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट कर देता हूँ और वर्टिकली कांस्टेंट कर देता हूँ और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट से इसको कर देना डिवाइडर से कांस्टेंट। और इसका टेक्स्ट इसकी आइडिया txt एंड इसको कंटेंट। तो कुछ इस तरीके से करेंगे, जब भी आइटम के वो क्लिक लिसनर हो ना, तो हम यहाँ पे व्हेन कंडीशन नहीं लगाते। आप चाहें तो लगा सकते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से करूँगा कि binding.txt content.text =selected $it.title, ठीक है। इस तरह से एक रीसिलेक्ट लिस्टनर भी होता है, यानी कि किसी भी आइटम के ऊपर अगर यूज़र रीसिलेक्ट करे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होम है ना, तो होम को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे एक बार सिलेक्टेड लिस्टनर यहाँ पे कॉल हुआ। अब मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे रीसिलेक्ट लिस्टनर कॉल हुआ है, ठीक है। ये भी हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कहीं पर यूज़ आ ही जाता है, ठीक है। आपने यूट्यूब पर अगर आप होम पर 2 बार क्लिक करें तो वो टॉप पर चल जाता है, वहाँ पर रीसिलेक्ट लिस्टनर लगा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से करूँगा, नेविगेशन रेल डॉट सेट ऑन आइटम रीसिलेक्टेड लिस्टनर, और यहाँ से रिटर्न कुछ भी नहीं है मैंने कराना। और यहाँ पे कर देते हैं टेक्स्ट रीसिलेक्टेड और आगे इसका आइटम का टाइटल आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्लिक लिस्टनर तो सेट हो गए। अब हम किस तरीके से सेट ऑन क्लिक लिस्टनर करेंगे अपने फ्लोटिंग एक्शन बटन पे, ठीक है, वो भी करना बड़ा आसान है। तो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा, वेल फ्लोटिंग एक्शन बटन = नेविगेशन रेल सॉरी binding.navigation_rail.header_view, और इधर फाइंड व्यू ऑपरेटर लगाऊंगा, चेक करूंगा ये नल तो नहीं है। अगर नल नहीं होगा तो इसके अंदर से फाइंड व्यू बाय आईडी करेगा, और इसकी टाइप होगी फ्लोटिंग एक्शन बटन, और इसकी आईडी होगी r.id. तो r के इंपोर्ट करते हैं r.id.floating_action_button_rail, ऑलराइट, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से करेंगे, फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। तो जब भी इसके ऊपर क्लिक हो तो कोई सेट ऑफ कमांड एग्जीक्यूट कराए तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि इसका टेक्स्ट अपडेट कर देंगे। इधर लिख देंगे सिलेक्टेड डॉलर नहीं सिलेक्टेड होम फैब, इसको ये कर देते हैं। ऑलराइट, तो अभी एक काम करते हैं, एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि एज एक्सपेक्टेड हमारे पर वर्क कर रही है या फिर नहीं, या फिर कोई इशू आ रहा है इसके अंदर। ऑलराइट एवरीवन, एप्लीकेशन मेरे पास ओपन हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ तो होम का रीसिलेक्टेड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड था। एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक किया, एक्सप्लोर के दोबारा क्लिक करता हूँ, रीसिलेक्टेड आ रहा है। फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर क्लिक किया तो सिलेक्टेड होम फैब आ रहा है। तो इट्स वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। अच्छा, एक दो छोटी सी चीज़ें वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, अगर आपने फ्लोटिंग प्रीवियस दो वीडियो नहीं देखी तो आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अभी आप कर सकते हैं कि लेबल अभी एक ही शो हो रहा है, तो मल्टीपल लेबल आप शो कराने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं। लेबल विजिबिलिटी मोड लेबल कर दोगे तो सारे लेबल्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये नेविगेशन रेल में मैं रेकमेंड नहीं करता, इसको नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं कि आइटम रिपल कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसमें कलर प्राइमरी कर देता हूँ, फिलहाल ये ग्रे है ये वाला यहाँ पे रिपल कलर, तो इसको ना अभी ये कलर प्राइमरी हो जाएगा। ये भी, इसको भी एक बार रन करके देखते हैं। और राइट, एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो रिपल कलर हमारा दूसरा आ रहा है। तो इस तरीके से आप रिपल कलर भी चेंज करा सकते हो। उसके अलावा यार बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आप चेंज करा सकते हो। अब मैं सारी जो इस वीडियो में कवर कर नहीं सकता, तो उसके लिए आपने डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेनी है और यहाँ पे आना है। इस सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप क्या क्या चेंज करा सकते हैं। स्टिल ये लिमिटेड है, इससे ज़्यादा आप चेंज चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे मेन में जो इन्फॉर्मेशन है जो कि ज़रूरत पड़ती है वो इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। कोड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मुझे दुआ में याद रखना। मैं अतगुल मिलता हूँ किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा।